जाओ, रास्ता बंद है रेडी। अब क्या होगा? मैं देखता हूँ। सुनिए जी, यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? हाँ, ऊपर जाकर मालूम कर लें। ऊपर? जी। सुनिए जी साहब, आपने किसे मिलना? बस की वजह से रास्ता बंद हो गया है, यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? मालकन से पूछूं, आप अकेले हैं ना? बड़े मौके से चाय पी। रहने के लिए जगह मिल गई रेडी, आइए। ठीक। साहब, बीबी जी नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही। फिर तकलीफ की क्या जरूरत थी, हम तो बस जाने वाले थे। नहीं साहब, अगर आप इस तरह चले गए तो बीबी जी को बहुत अफसोस होगा। बच्चे उठ गए? उन्हें मेरी घरवाली उठाने गई है। उठ जाए तो उन्हें कहना कि नाश्ते की टेबल पर आ जाए। बहुत माफी चाहता हूं, आपको हमारी वजह से सहमत हुई। कोई बात नहीं। कैसी अजीब बात है, तुम रात से आए और मुझे खबर नहीं। बाकी अजीब इत्तेफाक है, पनाह मिली भी तो तुम्हारे हम। हाँ शकील, इंसान जिंदा रहे तो कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाती है। सीमा, तुम कितनी बदल गई हो। तुम भी तो बदल गए हो। नहीं सीमा, मैं बिल्कुल नहीं बदला। औलाद जवान हो गई है ना, इसलिए चेहरे पे संचित की तारी कर ली है। आज तुम मिले हो तो गुजरा हुआ वक्त जैसे एक बार फिर सामने आ गया है। यूं लगता है जैसे ये सब कुछ कल ही की बात हो। मैं तो बड़ी परेशान थी। अब तुम्हें दाखला मिल गया है तो मैं तुम्हें यहाँ के सारे इंतजाम समझा देती हूँ। जरूर, यहाँ पर सभी लड़कियों और लड़के बहुत अच्छे हैं, बस एक लड़के से जरा तुम होशियार रहना, उसका नाम शकील है। क्यों, वो हुंडा किस्म का है? नहीं, है तो बहुत शरीफ मगर बड़ी अजीब अजीब शरारतें करता है। अच्छा? हाँ, आम आम ही लड़कियों के साथ फ्री हो जाता है, और जिस लड़की के साथ वो फ्री हो जाए ना, बस समझ लो उसी की शामत आ गई। मुझसे फ्री होके देखे, मजा चखा दूंगी। चलो। बच्चों, ऊपर बिजली लहर आई है। ओए ध्यान करना, अगर कटे तरह चंबड़ी ना जाना। कौन है ये? न्यू फेस। ना ना ना, थ्री फेस। कल के इंतकाम के शोले के थ्री फेस। सूफी, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दीनियात की तरफ ज्यादा ध्यान रखा करो और लड़कियों की तरफ कम। बड़ी खतरनाक लड़की है यार, कल इसकी पहली एंट्री पर ही मार खा बैठा हूँ। क्यों, ने तेरे सिंह मार देता? लेफ्ट राइट इस तरह मारती है कि सांस नहीं लेने देती। उई। यार तुम्हें तो मार पिटनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि हर लड़की को बुरी नीयत से छेड़ता है। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हर लड़की को माँ बहन समझ के छेड़? नहीं, और एक हम है क्या कि हर लड़की हमें प्यार करती है? अरे वाह रे वाह, ये ठीक है। एक्सक्यूज मी, सलाम अलैकुम। क्या है? अब जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल नया नहीं आया हूँ,
मुझे दफ्तर का रास्ता बता देंगी? हाँ चलो। अब एक बात मुझे बता दें, मुझे आप धोखा तो नहीं देंगी? क्या मतलब? जी वो मतलब ये कि टिफ कल आया था, इधर तो लड़कियां खड़ी थी, जब मैंने उनसे दफ्तर का रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे बाथरूम का रास्ता बता दिया। उन्होंने शरारत की होगी। आप तो मुझसे कोई शरारत नहीं करेंगे जी? बिल्कुल ही बेवकूफ मालूम होते हो, आओ मेरे साथ। बेवकूफ नहीं, शरीफ हो। एक बात तो बताए, मैं शरीफों को लोग बेवकूफ क्यों समझते हैं जी? तुम अच्छे लड़के हो, यहाँ अच्छों से ही दोस्ती करना। जी मुझे तो आप भी अच्छी लग रही हैं, मैं आपसे दोस्ती ना कर लूं? अरे नहीं, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, आओ मेरे। अरे सीमा, तुम्हें इसी के मतलब तो बताया था और इसी के साथ घूम रही हो। ये है वो शकील। मुझे चुदरानी, मुझे कह रहे थे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे ऑफिस तक ले चले। गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ? फैन बस पर वहाँ पे लड़की ना के भांडा फोड़ दिया। अच्छा ही हुआ, वरना सीमा तुम्हारा सर फोड़ देती। यार वो लड़की और लड़की जरा मुख्तलिफ है, इसलिए तरकीब भी जरा की मुख्तलिफ लानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, पहले जरा तरकीब सोच लो। आदाब। तुम? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। आपने अंदाजा लगाया होगा कि मेरी हरकतें कितनी अजीब गरीब होती है। मुझे अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? तो आप मेरी वो मासूम हरकत माफ नहीं करेंगे? हर किसी चले। अब अगर आप हुक्म दें तो आपके घर आके माफी मांग। मेरे घर आओगे तुम? हर जी क्या है, वहां आओ तो कफन लेकर जरूर आना। ओ, खुदा न खास्ता तो बीमार है वहां। वहां वालों के लिए नहीं, अपने लिए, समझे? मग गए भाई, गाल ही कुछ नहीं। सीमा 525 सेवन गुलबर्ग लाहौर, मगर आप उसका एड्रेस तो पूछ रहे हैं। जी भाई, फिर उससे उनकी फुफा है ना, सीमा मिल रही ना उनका एड्रेस, मैं काम नहीं होगा तो कौन काम आएगा। खुदा बहुत ही हमदर्द लड़का है यार। कार तो सबकर आ गए मगर है बड़ी जाती। कैसी जाती? तुम्हारी शरारत से बेचारी सीमा का बड़ा खर्चा हो गया। सीमा बड़े बाप की बेटी है, 1000-1200 खर्च करने से सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। तू पते लिख। तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगा। न ना, वहाँ मेरे महमूद के सिवा कोई नहीं जाएगा। तो मैं कोई फालतू हूँ जो मुफ्त में सबके पते लिखता फिरूं? अच्छा ये बात है, तो फिर रोजाना से लड़वा दूंगा। अरे मरवा दिया यार, अभी लिख। इस कार्ड पे सबसे पहले मेरा नाम लिख, और इसके बाद जो तुझे मुनासिब लड़की नजर आए ना डाल दे। अरे भाई कमाल, तुम्हारी सालगिरह के कार्ड सारी यूनिवर्सिटी में बट गए और तुम्हें अभी तक खबर ही नहीं। कार्ड तो मैंने भी देखे हैं डैडी, मगर ये छुपवाए किसने? दो महीने पहले तो मेरी सालगिरह हुई थी। तुम्हारी किसी ऐसी सहेली की शरारत है जिसे तुम सालगिरह पे बुलाना भूल गई होगी। बहरहाल मनाओ सालगिरह, घाट से मनाओ। चले मना लेते हैं। सालगिरह मुबारक सीमा। थैंक यू। सालगिरह मुबारक। थैंक यू। Happy birthday to you. आपकी तारीफ। एमए का स्टूडेंट हूँ, एमए फाइनल ईयर सिंस लास्ट 3 इयर्स। नाम मेरा महमूद है लेकिन लोग प्यार से मुझे महमूद बूटी कहते हैं, इसलिए तोहफे के तौर पे ये एक छोटी सी बूटी कबूल फरमाइए। पत्ता पत्ता बूटी बूटी। क्या आपको भी मैंने बुलाया है? तो और क्या, मुझे थाने वालों ने बुलाया। तशरीफ जी। क्या रखिए? तशरीफ रखिए। कहाँ? अंदर। यू मीन पिछले अंदर? नहीं ऐसे अंदर। आप बाहर के हैरत, ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें मैं जानती तक नहीं। सलाम अलैकुम। तुम? सलाम का जवाब ये नहीं। वालेकुम सलाम, तुम यहाँ कैसे आए हो? रक्षे में आया हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? कार्ड से, गालिबन जी कार्ड आपने मुझे भेजा था। ठीक है मंदिर जाइए। हाँ मंदिर कुछ घुटन सी है, मेरा ख्याल है लॉन में बाहर चल के गपशप न करें। शराब? शराब? आप तो घर बुला के जिल कर रही है, वादे का कुछ तो एहसास करें। सिवा क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, सो आ गया। तो इसका मतलब? जी 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 जी, ये सारा इंतजाम इस नाचीज ने किया है। थैंक यू।
आपकी सालगिरह का तोहफा। शुक्रिया। फूल बहुत नाजुक होते हैं सीमा बेगम। इसे जलील कहना चाहती हूँ? हाँ, ऐसी तरकीब बताती हूँ बच्चों, भरी महफिल में जलील हो जाएगा। यश्किल, मेहमान बहुत ज्यादा और केक बहुत छोटा है। केक है कहाँ? केक ये है मेरे पास। Attention please, ladies and only two gentlemen. सालगिरह के मौके पर हमेशा खाने से पहले गाने का प्रोग्राम होता है। इत्तेफाक से यहाँ पर लड़कियाँ ज्यादा हैं और लड़के सिर्फ दो, लिहाजा हम सब लड़कियों ने मिलकर फैसला किया है कि इन दोनों के नाम पर्ची पर लिखे जाए और कुर्रा अंदाजे में जिसकी पर्ची निकलेगी एक गाना गाएगा और दूसरा डांस करेगा। अगर पर्ची निकलने के बावजूद इन दोनों ने गाना और डांस करने से इनकार किया तो ड्राइंग रूम के दरवाजे बंद और सब लड़कियां मिलकर इनको मारेंगी। जनाब आप किधर? तमाम दरवाजे बंद हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मैं खुरे की नाली से निकल जाऊंगा। इस घर में कोई खुरा नहीं। खुरा नहीं, बाल्टी तो होगी। बाल्टी क्या करनी? गां चोनी। बकवास बंद करो और जाके बैठ जाओ। या अल्लाह की करा, मां दा कार हुंदा ते उनु कहंदा पैरां ते बाल है। इनमें से एक पर्ची उठा लीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए, देखें आपके हाथ से किसका मुकद्दर जागता है। शकील। हाजिर साईं। हम मरवा तैयार। शकील, आप अभी तक यही है? प्लीज ना चाहिए। देखिए बीबी, मैं स्टूडेंट हूँ, तवायफ नहीं हूँ। चले चले, ज्यादा बातें ना मनाए, नाचे। हाँ हाँ, आपको नाचना पड़ेगा। और तुसी मजदा मुजरा जरूर देखना। नाचो। भोली भाली सी एक लड़की, भोली भाली सी जो मेरे दिल में रहती है। इस बात पे खुद हैरान हूँ मैं, वो मुझको बेगाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी जो मेरे दिल में रहती है। किस बात पे खुद हैरान हूँ मैं, वो मुझको बेगाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी। दीवाना
दीवाना दीवाना कहती है। एक लड़की भोली भाली सी जो मेरे दिल में रहती है, इस बात से खुद हैरान हूँ मैं, वो मुझको बेगाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी तारीफ करूं, इस आंख की क्या तारीफ करूं जो पल में फसाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी जो मेरे दिल में रहती है, इस बात से खुद हैरान हूं मैं, वो मुझको बेगाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी। अरे वाह मजा आ गया, ये गाना रेडियो पर भी गाया है आपने? ना ये पहली दफा ये वायरलेस पे गाया है। कैसे गाता? वहां पर ये जो नहीं थी। क्या आप रेडियो पर गाते हैं? तो और क्या है, गलियां गा के मांगता। अरे मशहूर रेडियो सिंगर शकील यही तो है। ये शकील है तो फिर तुमने तरकीब से हम सबने इनका गाना भी सुना। ना सिर्फ गाना नहीं, आपने मेरा मुजरा भी देखा है। नाच नाच के मैनू नाच पै गई तो मेरी को तारीफ ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी शकील, मुझे मालूम नहीं था कि आप सिंगर शकील हैं। दरअसल आपकी शरारतों से अंदाजा नहीं हो सकता कि आप इतने बड़े फनकार हैं। जी ये तो कुछ भी नहीं है, कभी आप हमें सुनिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं साल जियाद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लड़ना तो खैर आपकी आदत है, कभी किसी से लड़ पड़ते हैं और कभी किसी से। अब इलेक्शन सही? आप मजाक कर रहे हैं, मैं वाकई इस साल इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन जीएस का इलेक्शन तो शकील भी लड़ रहा है। हाँ मुझे मालूम है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मैं यकीनन बड़ी आसानी से शकील को हरा सकता हूँ। ताहिर साहब। ताहिर साहब क्या होता है? ताहिर भाई कहिए। क्या बात है, आज बड़ी शराफत के मूड में है। ये बात नहीं है, मैं तो बहुत ही शरीफ किस्म का लड़का हूँ और आपके कीमती और जायज वोट का हकदार मैं ही हूँ। मगर हम में से आपको कोई वोट नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि आप जैसे लोग इलेक्शन के वक्त कीमती वोट के जायज हकदार, कौम के खादिम और बेलौस कारकुन और ना जाने क्या क्या बनकर आ जाते हैं, और जब इलेक्शन खत्म होता है तो फिर किसी को पूछते तक नहीं। ताहिर साहब आप हर इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाते, आखिर क्यों, किस लिए? साजिदा ये बेचारे तो मुख्य नुमाइंदे सिर्फ खलूस की वजह से अपना पैसा और हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। शकील का और आपका तो कोई मुकाबला नहीं, वो इंसान आप शैतान। शकील जैसे बन जाए तो आपको भी वोट मिल सकते हैं। सॉरी ताहिर साहब, वोट तो हम शकील को ही देंगे, आप जैसे गिरगिट को नहीं जो हर इलेक्शन पर नया रंग बदलता है। शकील साहब। आप लड़कियों में आपकी बड़ी इज्जत है। आप कैसे मालूम? मैंने किसी से आपकी बुराई नहीं सुनी। आप तो कभी मेरी तारीफ नहीं की ना। मैं आपसे जेलिस, यहाँ ताहिर के अलावा सब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, हमारा कोई फिक्र ही नहीं। अरे साहब आप तो खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका जिक्र जबान नहीं आंखें करती हैं, और जब आंखें जिक्र करने लगे तो सुना दिल आबाद हो जाता है।
आप तो शायरी करने लगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, जैसे मैं और आप हमेशा से एक हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। अब आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बहुत सी बातों का जवाब नहीं दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा मुखालिफ जिदे नाल मेरी हाथ जोड़ी होनी सी, और जाओ जाके उन्हें देखो गिरे मेरी दहशत नाल गुजर ही ना गया हुए। महमूद से ही हमारी बेइज्जती ना करा देना। बेइज्जती कराने वाला वो अल्लाह है, मैं बंदा कमीना क्या चीज हूँ। फर्स्ट ईयर बोनट से कपड़ा मारो, शीशियां देवी हट जा। गानी वाले तोते की आंदे सुजुकी चलानी शुरू कर दी, खौफ ज्यादा हो गया ना मेरे को। कमीज कर ला के छट है ताकि पाठ ना जाए। बहुत ही बकवास ना करो, जिन्हें सड़ना मसाले उन्हें सारी लाइफ पैर ही पाए, जिन्हें साढ़े नाल हाथ जोड़ी की है उन्हें भी सारी लाइफ कंगन ही पाए ने। तकबीर पढ़ के अपना हाथ मेरे हाथ च फड़ा है, मैं नहीं चाहता कि बगैर तकबीर तो तू हराम हो जाए। शर्म तो उन्हें जलीलों आनी चाहिए जेडे खुराक च मिलावट कर देने ते सानू वो खुआ देंगे। तेन नहीं पता है आटे च सूजी कर लेंगे, घ्यो च मुबलैल पा देंगे ते मिर्चा साड़ियां अखां च पा के इटा पा देंगे। तौबा तौबा, ये भी तो यही की रिजा खाता है। ए पुण के खांदा होना है। नहीं भाई मैं तो सारी जिंदगी यूरोप में रहा हूँ, उसे की कूड़ा चुकता रहे हैं। यहाँ पर नया ना आया हूँ। अच्छा। इसलिए यहाँ की मिलावटी खुदा का मुझ पर कोई असर और लाल तेरे में ईमानदारी तो कम लेंदे ने। ले बच्चे कन्न खोल के सुन ले कि जिस दिन इस मुल्क च मिलावट बंद हो गई उस दिन तो 20 साल बाद तेरी मेरी इसे मुकाम ते हाथ जोड़ी होएगी। ठीक है, खुदा हाफिज। आए यार हूं कितने चला है? हाथ तो एक्सरे करान चले। चप चप आ सोफिया मेरे नाल आ जा, मेरे को एक्सरे कराया नहीं है। यार वैसे महमूद है बहुत दिलचस्प आदमी। अभी तो तुम शकील से नहीं मिले, क्लास है चीज यहाँ की। शकील साहब आप कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी। तो आइए गाड़ी में बैठ जाइए, हमारी मंजिल एक ही है। वाकई? आइए ना। शुक्रिया, मैं चंद हजार की गाड़ी के लिए करोड़ रुपए की सड़क छोड़ सकता हूँ। जी मैं बाय रोड चलने का आती हूँ जबकि आप हवा में उड़ने के आती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आइए पैदल चले, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। सेहत के लिए नहीं, आपके लिए पैदल जरूर चलूंगी। मेरे लिए? वाकई? चलिए ना, पीरियड शुरू होने वाला होगा। शुरू होने वाला नहीं, शुरू हो चुका है। चलो। अच्छा जनाब, यहाँ से मेरे और आपके रास्ते जुदा जुदा हो गए। दुनिया गोल है जनाब, रास्ते जुदा जुदा होकर भी घूमकर एक ही जगह आ जाते हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर हमें भला कौन जुदा कर सकता है। बाहर।
यार तू बिल्कुल घबराना, प्रोफेसर रसूल मेरा जमाती है गायक थी तो मेरे नाल काले पढ़ते रहे, हुण प्रोफेसर हो गए तो की होया जी। एला फड़ यार मेरे काम कर, मैं किताब सदीक दी चुक के लैंदी ते इहनूं इह कोई 8 रुपईआं दी विक जाएगी ना, वेच के ते इक गोल्ड लीफ दी डब्बी मैं लिया दे। चाचा को किताब पढ़िया भी करके अगले वेचन भी पी जाती है। मैं अपनी तो नहीं बेचता, लोगों नहीं बेचना ना, तेन इस गल की परसनल मामला दखल दिया करने तो प्रोफेसर कह के फेल करा देना, समझा कि नहीं। हेलो कितनी बदतमीज कुड़िया ने यार, कमाल होगी, किसी बुजुर्ग का भी ख्याल नहीं करती। जलों असं दाखिल होए सर है उचिया लम्बिया खूबसूरत कुड़िया आदि से, हूं तो पता नहीं एडी एडिया कुड़िया आ गई ने छिले जी पढ़न लग जा। आज सूफी आए यार, महमूद तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढ रहा है। केड़ा बाप है? कितने बाप है आपके? ओए बकवास ना कर, केड़ा मेरा बाप है मैं देख लेना तेरा। ओए केड़ा है बड़ी ने जेड़ा पुत्र दा पुत्र पता नहीं स्कूल ले जांदा भी है कि नहीं। ओए मुंडिया कौन है तू? और तू पहले मैं ये दस के तू काकी है का काका? और जे तू काका है तो काकी अर का क्यों? तो जे तू काकी है तो काका क्या हो? शट अप, बस अब ये बंद करो। बंद करो? मैं की बुआ घोल के बैठा है, बंद करो। शट अप, और अब ये मुछें उतार दो। अब मर जानी है। ओए मुछा मेरी कराए दिए कि नहीं, दोनी दिए कि नहीं, लिया जी मैंने फुटन रही असली आ। बस अब ये एक्टिंग छोड़ो। हाँ। तुम इधर ये गेटअप किए बैठे हो। अच्छा। और उधर मेरे रिश्ते के लिए कल मेरे घर लोग आ रहे हैं। अच्छा। बोलो क्या करोगे तुम? मैं टक्कर मार के तोड़ा कार ही टाल देवांगा। हाँ समझिया, वो कुत्ते का पुत्र मूठा मैनू हर साल आके कहंदा सी मैं पास ते हो गया, पर मास्टर कहंदा कि एक साल होर ला ला जमात पक्की हो जाऊ। हुण पता लगा वो पक्की पकाई ते लगा। अब ये मजाक छोड़ो। हाँ। और ये बताओ मेरे वालिद से कब मिलोगे मेरे रिश्ते के लिए? ना उन्हें मिलना जरूरी है, मेरा मतलब है कि इदा ही असि दोवें जस नहीं हो सकते। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि मैं जिदा का है जो कुछ भी है जिदा को भी है भी तेन कबूल है। हाँ हाँ हाँ। और ज्यों की रहती अपना घर बेवकूफ की पुत्र की होया तेन मेरे आपा जी ने मैं रहना पागल दी पुत्र तेन बुढ़े पिंडे ते जवान पिंडे च फर्क नजर नहीं आता जफ्फिया पा दी हाय ला किधर चली गई चल के बी कुत्ते दिया पुत्र दसाता ही मां बड़ी मुद्दत के बाद यह काकी शौक पैदा होया सी तेरी मां बनता ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਸਾਤਾ ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਲੈ ਖਲੋਤਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਬਾ ਆ ਜਾ ਬਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਆ ਖਲੋ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਓਏ ਅੰਨੀ ਜੀਆ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਨੇ ਸੀਮਾ ਬੇਟੀ जी डैडी कहाँ जा रही? डैडी पढ़ने भाई वो बेटी यूनिवर्सिटी में तो छुट्टियाँ हैं। छुट्टियाँ? जी हाँ छुट्टियाँ तो है, मैंने दाखिला लेट लिया था ना इसलिए अपनी एक सहेली के पास चली जाती हूँ नोट्स लेने के लिए। नोट्स लेने के लिए? अच्छा जाओ। सरकार चाय पियेंगे? जरूर पियेंगे। शकील आखिर हम कब तक चुप चुप कर मिलते रहेंगे? जब तक अम्मी से एहतियात होकर तुम्हारे डैडी से तुम्हें मांग नहीं लेते। खुदा उन्हें दिल दे दिया करे। शकील ये प्यार भी क्या चीज है, जुदाई का एक एक पल सदियों बनकर गुजरता है। आईना मैं देखती हूँ और चेहरा तुम्हारा नजर आता है। प्यार वो जज्बा है सीमा जो इंसान को खुदा से और इंसान इंसान से मिला देता है। यकीन तो रश्की अगर कभी मेरे तुम्हारे दरमियान वक्त दीवार बना
तो सीमा मर कर भी अपने प्यार की लाज रख लेगी। यूं लगता है जैसे अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजरेगा, एक पल भी नहीं गुजरेगा। सांस न लूंगा जिस दिन मुझको भूला तेरा प्यार, वादों पे कर एक बार सजनी। वादों पे कर एक बार, हो तो साथी मेरे जीना है बेकार, वादों पे कर एक बार सजनी। वादों पे कर एक बार, जब तक ये दिन रात रहेंगे और पल दोनों साथ रहेंगे। जब तक ये दिन रात रहेंगे और पल दोनों साथ रहेंगे।
अगर ये सपने टूटे इस दुनिया में रहना है दुश्वार, वादों पे कर एतबार सजनी। वादों पे कर एतबार, दूजा साथ न लूंगा जिस दिन मुझको भूला तेरा प्यार, वादों पे कर एतबार सजना, वादों पे कर एतबार। वाह वाह, जमीन और आसमान को गले मिलते हुए आज देखा है ताहिर मिस्सी मां। इस फुकरे के सीने से तो हमारा सीना बेहतर था, लगना था तो हमारे सीने से लग जाती। शट अप, अगर अब तुमने कोई बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तमीज से बात करो, तुम्हारे हाथ हम जैसे रईस दादों के सामने फैल तो सकते हैं, उठ नहीं सकते, समझे? अगर तुम जैसे रईस दादों का दिमाग खराब हो जाए तो हमें भी करना आता है। पको मार। बहुत बुरा हुआ शकील, ये हमें सारी यूनिवर्सिटी में बदनाम कर देगा। तुम अपने अम्मी के साथ डैडी से मिल ही लो तो अच्छा है। तुम कहती हो तो जरूर मिलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारे डैडी से मिलने से पहले तुम मेरा जिक्र उनसे जरूर कर दो। माशाल्लाह, हमारा बेटा बहुत ही रोमांटिक हो गया, कलर्ड तस्वीरें लगा रखी है एल्बम में। अभी तक आया नहीं खानदीर का पुत्र। जी आप ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेहूं पिट कर आए हो कहीं से? वो शकील है ना जमींदारनी का लड़का, उसने आज मुझे जलील किया है, मुझ पर हाथ उठाया है। अब्बा जी क्यों? एक लड़की है करोड़पति बाप की बेटी, मैं उसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। माशाल्लाह, शकील भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, आज इसी बात पर झगड़ा हो गया हम दोनों में। उसकी ये जुरत के मेरे अकलौते बेटे को जलील कर उस पर हाथ उठाए, आज उसका दाव चल गया है। अब्बा जी अब मेरी बारी है। नहीं, तू सिर्फ उस करोड़पति लड़की का एड्रेस मुझे दे दे, फिर जिस तरह मैं कहता जाऊं उस तरह करता जा, फिर देख मैं क्या करता हूं। आप क्या करेंगे अब्बा जी? मैं शकील और उसकी मां पर स्काई लैब बनकर गिरूंगा। तू सिर्फ उस करोड़पति लड़की को अपने घेरे से ना निकलने दे, शकील का धागा मैं अपने आप खींच लूंगा। सब तन खायो कागा, चुन चुन खायो मास, एक नैना मत खायो, मुझे काना कहेंगे लोग। हेलो, क्या बात है? मूड क्यों खराब है? लॉन्ड्री वाले ने पत्रोल नहीं दी? क्या वो टायर है ना? हाँ, झड़प हो गई थी यार। वो तो है ही जलील आदमी के साथ तुम भी जलील हो जाते हो। तुम्हें कितने दफा कहा है कि उसके मुंह मत लगा करो। ये लो तुम्हारा खत आया। या अल्लाह, हमें भी किसी लड़की के दिल गुर्दे में कोई देर को मरले की जगह दिला दे। आज तक हमें तो किसी लड़की ने हेलो तो क्या फेटे मुंह भी नहीं कहा। क्या बात है, सीरियस लोग? क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने फॉर्मूला है तो फिर जाओ, तुम सेवा को बता देना। शकील को गए हुए बहुत दिन हो गए। मेरा ख्याल है उसकी वालदा कुछ ज्यादा ही बीमार है, 15-20 दिन तो हो ही गए। मुझसे मार खा के जाने वाले लौट कर नहीं आया करते। शकील तो खैर 2-4 रोज में आ ही जाएगा, लेकिन जिस दिन
मैंने तुम्हें पन्ना, तुम्हारी तमाम जिपें खुल जाएंगी और तुम यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आओगे। यार तुम तो खामखा जज्बाती हो गए। भला मेरा तुम्हारा क्या झगड़ा हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे दंड बहुत बड़े हैं। शकील का बंदोबस्त तो मैंने कर ही दिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बेगम फरमा रही थी कि अब तुम चल फिर सकती हो। हाँ भैया, थोड़ा सा चल लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है, वरना बिस्तर पर पड़े पड़े तो बीमार हो जाओगी। अब बिस्तर से उतरो और चलती हुई हवेली से बाहर निकल जाओ। ये क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूँ। अब शौहर के बाद अगर तुम भी वफात पा जाओ तो मैं अपना कर्जा किसे वसूल करूंगा? आज मैं कब्जा लेकर ही टलूंगा। रहम कौमी, रहम कौमी। लोगों पर रहम खाने लगू तो खुद क्या खाऊं? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तबाह हो जाओ यहाँ से। सौगान आहिस्ता बोलो, सरफदार इस तरह करफ खा के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोला करते। खा के सामने बदतमीजी करने की जरूरत। पकड़ लो इसे, पकड़ लो, पकड़ लो इसे। नहीं, नहीं। क्या हुआ माँ? अगर कल तक हवेली खाली नहीं हुई तो पुलिस लेकर आ जाऊंगा। चलो। तुमने तालीम छोड़ दी तो अम्मी की रूह को दुख होगा। लेकिन सीमा, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी जिंदगी का भी सवाल है। एमए करने के बाद तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और हम दोनों। मगर तुम्हारे डैडी हालात में मान जाएंगे। आया अम्मा छुट्टी पर गई है, आ जाएगी तो वो डैडी को सब कुछ बता देगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब्बा जी। अब मैं ये काम ऐसे करूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। आखिर मैं आपका ही बेटा हूं। तुम मेरे बेटे नहीं, उल्लू के पट्टे हो बेटे। मेरे बेटे होते तो उस लाखों करोड़ों की वाहिद मालिक से कब की शादी कर चुके होते। जिंदगी में पहली बार गैरत खा के गया है, सेंटिमेंटल हो गया है। या अल्लाह, इसको कामयाबी अता फरमा। शकील साहब, आपका फोन है। मेरा फोन कहां से आ गया? हेलो, बोल रहे हैं जी, मैं सेठ अकबर का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जी जी, फरमाइए। आप शायद घबरा गए हैं। घबराइए नहीं, खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। जी जी, मैं समझा नहीं। मिस सीमा ने सेठ साहब से आपका जिक्र किया था। आप सेठ साहब कल सुबह 10 बजे आपसे अपने मिलके दफ्तर में मिलना चाहते हैं। हाँ जी जी, बेहतर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो जरा एड्रेस। जी जी, मैं समझ गया, मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। सीमा ने तो कमाल ही कर दिया। आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, रात हल्का सा बुखार हो गया था, डैडी ने जाने नहीं दिया। शकील बेचारा एक एक से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। खुदा तुम्हारी मोहब्बत को कामयाब करे। वैसे तुम्हारे डैडी मान जाएंगे? हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी खुशी के लिए जरूर मान जाएंगे। पर फिर शकील में बुराई क्या है जो उसे नापसंद करेंगे? और कितने चले? 15 की अंदर मीना बाजार लगा है। चल बात। सर साहब ने बुलाया जी। सेठ साहब ने बुलाया, इतने कोई नौकरी नहीं की। नाले गन खोल के सुन, अज जो मेरा आदमी की तेन साहब ने कुछ लाना है। नाले गल सुन, उन्होंने लाने की आदत नहीं की। चल बात, बात बंद करो। कौन है तुम? अब जी, मैं शकील हूँ, आपने बुलाया था। अंदर आ जाओ बाबा जी। मैं कुछ माल पाने से लाने दो वास्ते। तेन टांट मारना था, सेठ साहब मिलके आ जाओ। चंगा जी, ताकि मेहरबानी। इजाजत है?
मुझे अफसोस है कि चौकीदार ने तुमसे बुरा सलूक किया, मगर तुम्हारा हुलिया ही ऐसा है। इस लिबास में देखकर वो तुम्हें कोई भिखारी, जरूरतमंद या कुछ मांगने वाला समझ बैठा। जी खैर छोड़ो इस बात को, तुम सीमा के साथ पढ़ते हो ना? जी मैं उनसे सीनियर हूँ। तो यकीनन दाखिले के वक्त तुमने उसे बेवकूफ बनाया होगा। जी जी हाँ। और शायद अब तक उसे बेवकूफ बना रहे हो। जी तुम सीमा से शादी करना चाहते हो? जी क्यों, तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी है कि हम अपनी बेटी को तुमसे ब्याह दें? मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, ऐसा एमए कर लूंगा। हमारे स्टाफ में 6 आदमी एमए कर चुके हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दें। मैं शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। उनमें से कोई भी बदनाम खानदान से ताल्लुक नहीं रखता। लड़के का तालीम याफ्ता या अच्छे खानदान का होना ही काफी नहीं, माशरे में उसका कोई स्टेटस होना चाहिए। मुझे एमए के बाद अच्छी मुलाजिम मिल जाएगी। हम बिजनेसमैन हैं बरखुरदार, सूद पर पैसा नहीं देते कि आने वाले कल से नफे की तवक्को रखें। तुम इस वक्त क्या हो हमें सिर्फ इससे दिलचस्पी है। मैं जानता हूं सेठ साहब, इस वक्त में कुछ भी नहीं, मगर अपनी औकात और हमारी हसीयत में फर्क जान ही गए हो तो इस खेल को खत्म कर दो। ये खेल नहीं हकीकत है कि मैं सीमा से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत? तुम्हें सिर्फ सेठ अकबर की बेटी से मोहब्बत क्यों हुई? किसी गरीब की लड़की क्यों नहीं पसंद आई? सेठ साहब इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लो कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत रुपया है। ये मैं जानता हूं सेठ साहब। ये जानते हो तो ये भी जान लो कि हम सीमा का रिश्ता अपने मरहूम भाई के बेटे से तय कर चुके हैं। नहीं, ये हम दोनों पे सुनना सेठ साहब, अपना ये फैसला बदल दीजिए। हमारा फैसला गरीब की तकदीर की तरह अटल होता है लड़के, बदला नहीं करता। सेठ नहीं बाप बन के सोचिए, ये सीमा की जिंदगी का सवाल है, हमारी दी हुई जबान का सवाल है। उसकी जिंदगी आपकी जबान से ज्यादा कीमती नहीं सेठ साहब। बहुत ज्यादा कीमत लगा रहे हो उसकी जिंदगी की। जानते हो हमारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अगर वो आपके फैसले को मानने से इनकार करते हैं तो हम रिवॉल्वर की एक ही गोली से उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नाफरमान बेटियों को मौत की नींद सुला देना हमारे खानदान की रवायत है और हम इन रवायतों के गुलाम हैं। इनके इशारे पे बेटी तो क्या अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकते हैं? तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो उसकी जिंदगी से निकल जाओ, निकल जाओ। मैंने गलत रिपोर्ट तो नहीं दी थी जनाब को? बहुत रोता हुआ गया है, गालिबन खूब जलील फरमाया है आपने उसे। आइंदा किसी बड़े आदमी की बेटी को अपनाने के ख्वाब नहीं देखेगा। उसे ये ख्वाब देखना चाहिए भी नहीं। कहां वो कहां, बराबर की टक्कर हो तो कोई बात भी है। यही बात मेरा बेटा ताहिर आपसे फरमाता तो आप गौर भी फरमाते। 20 एकड़ बारानी जमीन का मालिक हूं, 2 कोठियां शहर में किराए पर उठा रखी, सूद की आमदनी अलग है। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो एक बालक बेटे का दौलतमंद बाप कह सकता है। सेठ साहब ताहिर और आपकी बेटी का जोड़ा खूब रहेगा। जमींदार साहब, मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे से तय कर चुका हूं। तुम मेरे पास होते हो कोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। ये बात सच भी तो है, बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए। 8 साल हो गए हैं समुद्र पार आए, लेकिन लगता है कि अभी तक पाकिस्तान में हूं। है जानती हो क्यों? इसलिए कि तुम साय की तरह मेरे साथ साथ लगे हो। हे सच बता, कभी तुम भी मुझे इसी तरह याद करती हो? याद करती हो ना? थैंक यू। बस 3 महीने की तो बात रह गई है, फिर तुम्हारा अनवर सीमा मेरे पास आ जाएगा। हमारा फैसला गरीब की तकदीर की तरह अटल होता है लड़के, बदला नहीं करता।
نافرمان بیٹیوں کو موت کی نیند سلا دینا ہمارے خاندان کی روایت ہے. سیما تم جانتی ہے تمہارے ڈیڈی نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے, مجھے ذلیل کیا ہے. میں نے سب کچھ سن لیا ہے. سب کچھ سن لیا تو چلے جاؤ, ابھی چلے جاؤ سیما. میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی شکیل, میں تمہارے ساتھ چلوں گی. اگر تم واپس نہ گئی تو سیٹ صاحب تمہیں جان سے مار دیں گے. تو کیا ہوا, پیار کرنے والے زندگی سے پیار نہیں کرتے. قسمت نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے. میں قسمت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہوں. ہم کبھی نہیں مل سکتے سیما, اگر تم میری بات مانتی کیوں نہیں. محبت کسی دلیل کو نہیں مانتی. میں تمہارے لیے اپنا گھر, اپنا خاندان, اپنی زندگی سب کچھ قربان کر دوں گی. تو پھر ہم تمہیں اپنے خاندان اور اپنی عزت پہ قربان کر دیں گے. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. سیما نہیں مرے گی. میں سیما کو اپنے پیار پہ قربان نہیں ہونے دوں گا, کبھی نہیں ہونے دوں گا. پانچ سال ہو گئے ایم اے میں پڑھتے ہوئے, آج تک کسی نے اتنے پیار سے محمود نہیں کہا. آج محمود کہا ہے تو سات بوٹی نے ہی کہی ہے. محمود, محمود بوٹی. شکیل کہاں ہے؟ جی خوش رہے جہاں ہے. کیا مطلب؟ سیما نہیں مرے گی. میں سیما کو اپنے پیار پہ قربان نہیں ہونے دوں گا, کبھی نہیں ہونے دوں گا. پانچ سال ہو گئے ایم اے میں پڑھتے ہوئے, آج تک کسی نے اتنے پیار سے محمود نہیں کہا. آج محمود کہا ہے تو سات بوٹی نے ہی کہی ہے. محمود, محمود بوٹی. شکیل کہاں ہے؟ جی خوش رہے جہاں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بی بی کہ آج کل کا سیزن کچھ محبت کو سوٹ نہیں کرتا. صاف سر کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف کیا, میں اپنی زبان پہ جھاڑو پھروا لوں. اجی آپ جانتے ہیں کہ آج صوفیہ کی منگنی ہو رہی ہے, اور ہو بھی رہی ہے ایک مل اونر کے ساتھ جو 10,000 کی انگوٹھی اس کو منگنی کے طور پہ دے رہا ہے. یہ تو میں جانتی ہوں کہ صوفیہ منگنی ہے. تم یہ بتاؤ شکیل کہاں ہے؟ وہ آج صبح 4 بجے کی گاڑی کراچی چلا گیا ہے. کہہ رہا تھا کہ افریقہ سے کوئی کروڑ پتی اس کی پھوپھی آئی ہوئی. اور اس کے ساتھ ایک پیس بھی ہے. پیس؟ پھپھی کی لڑکی جس سے اس کا بچپن میں ہی رشتہ ہو گیا تھا, اور اب شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی سیما کا کیا بنے گا, تو ہنس کے کہنے لگا سیما جیسی لڑکیاں تو آگے پیچھے پھرتی رہتی, اب میں سیما کو دیکھوں یا اپنے مستقبل کو دیکھوں. نہیں یہ جھوٹ ہے شکیل, ایسا نہیں کہہ سکتا. وہ بے وفا نہیں ہو سکتا. نہ تو کیا میں الو کا پٹھا جو جھوٹ کہہ رہا ہوں, یا میرا کوئی آپ کے ساتھ چکر. میں نے اسے کہا تھا کہ میں یہ بات سیما کو بتا دوں گا, تو کہنے لگا کہ یہ تمہیں بتا کس لیے رہا, کہ تم سیما سے کہو اور اسے یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے بھول جائے, کیونکہ میں نے اپنی ڈائری سے اس کا ورقہ پار دیا ہے. تمہیں تو میرے پیار کی ان بلندیوں میں دیکھا تھا جہاں صرف پیار کرنے والے ہی پہنچتے ہیں. پھر تم بستی میں کیسے گر گئے؟ کیسے تم نے دولت کے لیے اپنا پیار, اپنی قسمیں, اپنے وعدے سب کچھ بیچ دیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شکیل. کیا لکھا ہے؟ یہ تو آپ پڑھ کر ہی پتا چلے گا کیا لکھا ہے. گانا لکھا ہے, گالی نہیں کیا, کوئی بات نہیں. بکواس بند بھی کیا کرو. چلو آپ کھول دیں. 8 سال ہو گئے آنٹی انور کو گئے ہوئے, ہو سکتا اب تک اس کے بال بھی سفید ہو گئے. چپ کرو, ہاتھ پڑنے دو. چلو ویسے وہ ملک بہت خطرناک ہے, کہیں کسی میم سے تو چکر نہیں جلا لیا؟ ارے نہیں, لکھا ہے 3 مہینے کا کورس رہ گیا ہے. بس اب میں آنے والا ہوں. آنے والا ہوں.
किसी तक जाने वाला। अरे शुक्र है अनवर आ रहा, मेरी तो किस्मत ही खुली। अरे मैं आंटी के लिए चल रही थी, आंटी कहाँ है? आंटी की हो गई छांटी, तुम उनसे बात कर। दरअसल बात यह है कि तू खुश हो जा कि अनवर आ रहा है। भाभी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अनवर आ गया, दीजिए उसे फोन। लो बेटे, बाय। सलाम वालेकुम अंकल जी, आज सुबह ही आया हूँ। आपकी सेहत कैसी है? अरे मियाँ बुढ़ापे में जो सेहत होनी चाहिए ना उससे कुछ बेहतर ही है, वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अरे सही सर। अच्छा तो आप फौरन यहाँ आ जाइए, डॉक्टर इब्राहिम हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्हें कंसल्ट करें। हाँ फौरन। अच्छा सीमा कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। लो सीमा आ गई। सीमा बेटी अनवर का फोन। हेलो। हेलो सीमा, एक मिनट, अम्मी सीमा है फोन पर, आप जरा इधर उधर हो जाइए। शैतान के। हाँ भाई, लंदन से आके सबसे पहले तुमसे बात करना चाहता, मगर तुम्हारा नंबर ही चेंज हो चुका था। कैसी हो जी? अच्छा सीमा एक बात बताओ, कहीं अपने फोन नंबर की तरह खुद तो नहीं बदल गई हो? गुड, तो फिर खुशखबरी सुनो, हम लोग तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, और याद रखना कि वहां पर हमारी होस्ट भी तुम ही होगी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी, समझे? अरे भाई सुनो, बात हो रही है भाई। लाइन कट गई। कोई बात नहीं, लाहौर चलकर खूब बातें कर लेना। हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, ये लाहौर है। अरे खुदा के लिए शहर में आकर तो अपना मूड ठीक कर। मूड तुम्हारा ठीक नहीं है? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। मूड बिल्कुल ठीक है तो फिर चलो किसी रावी में जाकर दो तीन गोते लगाते हैं, कुछ नारे लगाते हैं, कुछ बूटे लगाते हैं, कुछ घी खाते हैं, उसके बाद मीनारे पाकर चलो। चलो मेरे साथ बाग में चलते वोटिंग करते। बिल्कुल नहीं, क्यों? शादी से पहले मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाते हुए शर्म आती है। अरे शर्म आती है कैसे आती है, शर्म तो आने जाने वाली चीज है, और आने जाने वाली चीज का क्या हम करते हैं? फिर उनकी ख्याल है मैं क्या मेरी। अरे क्या कर रहे हो अनवर भाई, आ जाएंगे। अनवर? अरे मैं आशिक को पागल नहीं हूँ, अनवर को तो मैं बाग में सीमा के पास छोड़ आया हूँ। उन गल कर की चाहिए है? है मेरी ये खुरमानी है। दिल हुजूर, दिल पढ़ने की नहीं समझने की चीज है। जी जी, बाय द वे आप यहाँ किस हिसाब में बैठी हैं? बस ऐसे ही, मेहमान अंदर और मेजबान बाहर, ये तो बड़ी बदअखलाकी की बात है। आई एम सॉरी। चाहिए माफ पार्टनर। वैसे मैंने एक बात महसूस की है। क्या? बचपन में तो तुम बड़ी शरारती होती थी, लेकिन अब वो न शौकी है न शरारत, हर वक्त सोच में डूबी रहती। आज शहर के दौरान भी बड़ी चुप चुप रही। तुम ठीक कहते हो, ज्यादा पढ़ने से बीमार रहती। डॉक्टर कहते हैं कि तालीम छोड़ दो, मगर ये कहती है कि पीएचडी करना है, अब तुम ही बताओ। मरवा दिया पापड़ वाले को। पीएचडी तो बड़ी देर में होता है। अरे बेटे, शादी से पहले लड़कियां बहुत कुछ चाहती हैं, बहुत कुछ सोचती हैं, मगर होता वही है जो बुजुर्ग चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आप। तो फिर जल्दी से शादी की तारीख पक्की करो ना।
मैं सीमा बेटी को जल्द से जल्द अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अरे भाई हमें क्या इतराज है, जब चाहे शादी की तारीख मुकर्रर कर लें। वी आर रेडी। अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं, अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं, प्यार के फूल हैं मुरझाए हुए आए हैं, अजनबी देश में ठुकराए हुए कहा माना है। हमने आदम की तरह दिल का कहा माना है, कितने नादान है एक बुत को खुदा जाना है, हम भी शैतान के बहकाए हुए आए हैं, प्यार के फूल हैं मुरझाए हुए आए हैं, अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं। प्यार के दीवानों में एक ही रस्म है सब प्यार के दीवानों में, छोड़ कर शहर चले आते हैं वीरानों में, ये न समझे कोई पछताए हुए आए हैं, प्यार के फूल हैं मुरझाए हुए आए हैं, अजनबी देश में ठुकराए हुए आए न अपनों से शिकायत है न बेगानों से, अब न अपनों से शिकायत है न बेगानों से, खौफ सा आता है इस दौर के इंसानों से, अपने हालात पे शर्माए हुए आए हैं, प्यार के फूल
नदी देश में ठुकराए हुए आए हैं, प्यार के फूल हैं मुरझाए हुए आए हैं, अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं। जल्दी से मेरी ये उठी हुई टांग जमीन पर आ जाए, सुदरानी फिर खराब होंगे। खुदा के वास्ते कम बोलिए। अच्छा, मेरे दिल पे कान लगा कर देखो कि दिल धड़क रहा है या नहीं। धड़क रहा है। ये दिल है, कुछ ढोल तो नहीं है, जरा कान लगा कर देखो। अच्छा। हाँ। हाँ, धड़क रहा है। अब सकून है, खुदा के लिए सर तो धो लिया करो। अच्छा आ जाओ। अब आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, घर जा सकती हैं। डॉक्टर वो कब तक ठीक हो जाएंगे? आप बिल्कुल फिक्र न करें, वो भी पहले से बेहतर है। सॉरी अंकल, भाभी अम्मी ने आपको भैया के कमरे में बुलाया है। अरे शुक्र है माँ, हम सब की जान तो बच गई। ये सब हमारी सीमा बेटे की दुआएं हैं अनवर मियाँ। बेशक बेशक। अल्लाह भाई, गुड मॉर्निंग अपनी बेटी। अपनी तो आज छुट्टी हो गई। घर जा रहे हो क्या? घर अकेले? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, शादी इकट्ठी हुई थी। क्यों अंकल? एक्सीडेंट इकट्ठा हुआ था। क्यों आंटी? हाँ जी, अब घर भी इकट्ठे ही जाएंगे। क्यों अंकल? और सारे काम इकट्ठे ही करेंगे। क्या मतलब? मतलब अंकल समझ गए हैं। यू आर अंडरस्टैंड? आओ सीमा बेटी, आओ। आओ बेटी, आप लोग जरा मेरी बात सुनिए। चलिए कहाँ? अच्छा अपना शैला, आप भी जरा मेरी बात सुनिए। अरे अगर प्राइवेट बात। मुंशी जी, जी आप मेरे साथ चलिए। तुम भी चलो बेटी, शायद सेठ साहब मीटिंग करना चाहते हैं। मुंशी जी, जी दुल्हन को यहीं रहने दीजिए। क्यों? अहो बड़े बेवकूफ हैं आप, चलिए। सीमा बैठ जाओ। Thank you.
जिंदगी भी कभी कभी कैसा मजाक करती है ना। आदमी चाहता कुछ है वो कुछ और चाहता है। फिक्र मत करो, दो चार दिन की बात है फिर हम दोनों हनीमून पे चलेंगे। बाप की सबील खोल रखी है।
माफ करना भाई साहब, ये हॉस्पिटल है, कोई लव स्पॉट नहीं है। आप नालायक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी वही कुछ कर रहा था जो आप दोनों कर रहे थे। गाना गा रहे? हाँ, और बोलिए पूछिए किसके साथ? शैला जरा जमीन की तय में से ऊपर आना। क्यों, हम भी कुछ कम नहीं है। या मेरे मौला, इज्जत सबसे बड़ी चीज है, मेरी मदद फरमाना। मैंने कहा जी, ये किसके लिए दुआएं मांगी जा रही है? भाई आज सुहाग रात है ना, अल्लाह इज्जत ही रखे। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मेहमानों ने आना है ना, अगर उनके इंतजाम वगैरह में कुछ कसर बाकी रह गई तो अनवर भाईजान सारी जिंदगी शिकायत करते रहेंगे। तो ये मेहमानों की बातें हो रही हैं। मैं समझी तुम अपनी बात कर रहे हो। अपनी बात? क्या मतलब? आज सुहाग रात है ना। अच्छा, बड़ी बेशरम हो तुम, कुड़ी कड़े पास ला गई। हम मैनू पे क्या नहीं है? और तेरे प्यो नू पे क्या नहीं है? फुफू सेहत मुबारक हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों नहीं आए? भाई आज जरा घर पे बड़ा हंगामा है, जाहिर है कि बड़ी मसरूफ होगी। वैसे हमारी फैक्ट्री के मैनेजर साहब तो तशरीफ लाए थे, बहुत देर से डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट लेने गए, इसमें लग गया टाइम। आखिर आप क्या छुपा रहे हैं डॉक्टर साहब? प्लीज साफ साफ बता दीजिए ना। किसी मरीज को आखिरी स्टेज पर देख कर भी मेरे हौसले ने साथ छोड़ा है, ना मैं कभी मायूस हुआ हूँ। लेकिन अनवर मियाँ के लिए मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही तो नहीं हूँ मैनेजर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ डॉक्टर साहब, वो आपके बच्चों की तरह है। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ डॉक्टर बन के बता दीजिए उसे क्या तकलीफ है। जाएगी एक नई नवेली दुल्हन की मांग उतर जाएगी मैनेजर, अनवर मियाँ की जिंदगी। डॉक्टर साहब क्या हुआ अनवर की जिंदगी को? वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। काश ऐसा होता, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट बताती है कि उसके दिल में सुराख है। नहीं डॉक्टर, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो किसी वक्त भी मर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर मुझ बूढ़े का दिल उन्हें सहारा दे सकता है तो ये दिल हाजिर है। आज ही ऑपरेशन कर लीजिए, बदल दीजिए इस दिल को डॉक्टर साहब प्लीज। आई एम सॉरी मैनेजर, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या अनवर मियां की जिंदगी? वो किसी वक्त भी मर सकते हैं। आंटी अनवर कहाँ रह गया? बस आता होगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अनवर बेटे सेहत मुबारक हो। अनवर सेहत मुबारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। घाटा है मुबारक। क्या? अरे खुशी के मौके पर रोया नहीं करते। अनवर बेटे। आंटी आप कैसी हैं? शायद तुम कैसी हो? क्या मतलब ठीक हूँ? अरे भाई इतनी उदास क्यों, क्या बात है? इस बेचारी के साथ बड़ी ट्रेजडी हो गई। ओके। तुम लंदन में थे तो इसकी शादी हो गई थी, और फिर शादी के एक साल बाद ही ये बेवा हो गई थी। ओ, अरे तो दूसरी शादी? ये बच्चे की माँ है ना, इसीलिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला इसके लिए। हाँ बेटे, बेवा को तो रिश्ता मिल जाता है, मगर एक बच्चे की माँ के लिए बहुत मुश्किल है। अगर इसे बेवा होना ही था तो काश ये माँ ना बनी होती। अरे आप लोग भी अच्छे हमदर्द हैं, ऐसी बातें करके उस बेचारी को मार डालेंगे। ये बहुत बड़ा सदमा था जो तुमने उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी खुद को मार डाले। अरे हंसती खेलती रहा करो, इसी का नाम तो जिंदगी है, क्या समझी? तुम लंदन में थे तो इसकी शादी हो गई थी, और फिर शादी के एक साल बाद ही ये बेवा हो गई थी। ये बच्चे की माँ है ना, इसीलिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला इसके लिए। हाँ बेटे,
बुढ़वा को तो रिश्ता मिल जाता है, मगर एक बच्चे की माँ के लिए बहुत मुश्किल है। अगर इसे बेवा होना ही तो काश ये माँ ना बनी होती। अरे अंदर भैया, आप अभी तक बाहर क्यों खड़े हैं? शायद अंदर जाते हुए शर्मा रहे हैं। अरे नहीं, ससुर के सामने बोलने वाले मुकालमे याद कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर जाइए ना, हमारी भाभी अंदर आपका इंतजार कर रही है। जाइए 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 ना। रातों को सजाते हैं, मगर ये डॉक्टर लोग जज्बात देखते हैं ना हर मां, जजमन के फैसला सुना देते हैं, कहने लगे अभी आराम की जरूरत है। तुम्हें बता सीमा, सुहाग रात तो बाप की तरह जिंदगी में एक ही दफे आती है, ये भला क्या आराम की रात है? उन्होंने ठीक ही कहा। तुम भी उनके साथ मिल गई ना? खैर तुम कहती हो तो माने लेता हूं, ऐसा करो थोड़ा सा आराम करो, मैं बाहर जाके थोड़ी सी ताजा हवा खा लू, क्या खा शबा। उसे तो जो थांद दे। खुदा के वास्ते बंद करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या ये गाने का वक्त है? तो नहाने का वक्त है, टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ या अनवर भाई? पता नहीं उसको क्या हो गया, बत्ती नहीं बुझाता, इतना भी ख्याल नहीं आता कि बिजली का बिल कितना आएगा। आप अपने कमरे से बत्ती बुझा देना जल्दी से। अच्छा मैं बुझा दूं जल्दी से? बिटी काली हो इस कुड़ी नु, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता मुटियारे, बत्ती इकट्ठी जली है तो इकट्ठी बुझेगी। तो ये बात है, एक तरकीब भी है। क्या? कान। अरे कान मैंने कहा। जाना तो पड़ेगा, मगर आज नहीं कल चले जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं कल चले जाएंगे, यानी तुम हनीमून को बाजी करने गए थे? हाय हाय, मनु इन्हें समझाइए, बात न सुना नहीं ये बाजी हनीमून, बाजी रोटी और बाजी बोटी जीवन भर का रोग बन जाती है। अच्छा बकवास मत करो, आकर ना करो। वो तो कर लो सीमा बेटी। हाँ तुम कल जाने की तैयारी? एक बात याद रखिएगा, मैं मुझे वो जगह पसंद आ गई ना वही रहता।
क्या हुआ? अरे कार ने चलने से इनकार कर दिया। क्या खराबी है? ये तो सुबह ही पता चलेगा। फिर अब क्या होगा? अरे होगा क्या, रात 8:30 से गाड़ी में गुजारेंगे और क्या। तुम आगे बाबू? नहीं नहीं, तुम मेरा बाबू नहीं हो। शहर में तुम्हें मेरा बाबू मिला था? कौन सा बाबू भाई? मेरा बाबू शहर चला गया था। रहते हुए कहता था परसों तेरी बारात लेकर आऊंगा, पर अभी तक लौट कर नहीं आया। वो तो क्यों नहीं आया बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? बिंदिया। मेरा बाबू मुझे प्यार से बिंदो कहता था। एक बात बताओ, उसके पास भी ऐसी ही मोटर हुआ करती थी? यहाँ कोई करीब जगह नहीं जहाँ हम ठहर सके? वो सामने जंगल वाला बाबू रहता है। जंगल वाला बाबू? हाँ, सारे जंगल पर उसका कम चलता है। अच्छा, सीमा तुम इसके साथ ठहरो, मैं देख के आता हूँ कौन है। दीदी, तेरा बाबू भी चला गया, ये भी अब मेरे बाबू की तरह लौट कर नहीं आएगा। Excuse me? अनवर? अरे शकील तुम! शकील! अनवर तुम सचमुच मेरे सामने खड़े हो या ये आंखें मेरे धोखा खा रही हैं? अरे जालिम, पहले गले तो मिल ले। यहाँ कैसे आना? इत्तफाक, इधर से गुजर रहा था तुम्हारी भाभी के साथ की गाड़ी खराब। भाभी कहाँ? बाहर और कहाँ? आंखें मेरे धोखा खा रही हैं। अरे जालिम, पहले गले तो मिल ले। अरे सीमा देखो, हमें अपना दोस्त मिल गया। अरे क्या हुआ तुम दोनों को भाई? ना सलाम ना दुआ। हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है शकील। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। हम दोनों तो हमेशा इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। एफए के बाद ये चला गया था लाहौर, मैं चला गया इंग्लैंड, आज मुलाकात हो गई। क्यों भाई शकील? आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। हाँ चलो आओ सीमा। तुम दोनों ने मिलने का वादा किया होगा, इसीलिए मिले हो। अब मेरा बाबू भी मुझे जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। हाँ शकील, ये बताओ कि बेगम साहबा कहाँ है जनाब? शादी हो गई कि नहीं? बस वो चलते रहे। क्यों? बस और इन्हें किसी से दिल तो लगाया होगा यार। कई बार तो कभी होती उनमें से किसी एक से शादी यार। यार कॉलेज की मोहब्बत सिर्फ कॉलेज की चार दीवारी तक ही होनी चाहिए, घूमे फिरे तफरी की और फूल कहे। शादी तो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए ना। ठीक है ना जी? जी। कहाँ जा रही हो? सफर से थकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आप ही चलिए ना। बैठ जाओ। हम कहाँ जाएंगे? अरे इतना पुराना दोस्त इतने अरसे के बाद मिला है, इससे तो रात जगह होगा, बहुत सी पुरानी बातें होंगी। क्यों दोस्त है ना? और फिर कल तो हमने यहाँ से जाने की है। आप दोनों यहाँ से नहीं जा सकते यार, तुम्हारी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो यहाँ पे पहली बार आई है ना, क्या कहेंगी कि तुम्हारा दोस्त इतना प्रेम भरोसा है। जी मेरे बीवी को घूर घूर के क्या देख रहे हो? नजर ना लगा देना कहीं। ऐसा मालूम होता है जैसे मैंने कहीं देखा है। कहते क्यों नहीं कि हम एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो रात भर से अजनबी क्यों बने रहे हैं? मैंने ये सोचा कि ये पहचान जाएंगे। और मैं ये सोचती रही कि शायद आप पहचान न सके। चलो शुक्र है खुदा का, तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचान तो लिया।
अच्छा तुम दोनों जरा बातें करो, मैं देखूं शायद कोई शिकार विकार मिल जाए। सीमा तुम खुश तो हो ना? हाँ बहुत खुश। क्या तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई जिसके अफ्रीका में जहरात के काने थे? नहीं सीमा, उसने किसी और से शादी कर ली है। तुम्हारी सजा यही थी, तुमने मोहब्बत को भी बाजार में रखा हुआ एक खिलौना समझ लिया था जिसकी मुंह मांगी कीमत वसूल कर सको। कमाल है, इतनी डरपोक हो तुम। मुझे गोली से बहुत डर लगता है। इस पे डरने की क्या बात है, किसी शिकारी ने फायर किया होगा। क्या हुआ जी? शकील, सीमा, तुम दोनों चलिए। ये दोनों मेरे साथ पढ़ते थे, मुझसे बहुत नाराज है। तुम यहाँ ठहरो, मैं भी आता हूँ। जल्दी आ जाइए। शकील रुक जाओ प्लीज, तुम दोनों का गुस्सा बिल्कुल बजा है। मैं अपनी उस शरारत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इंसान कितना तब्दील हो जाता है, मेरी उस बेवकूफी को माफ कर दो। यकीन जानो मुझे जब भी ये ख्याल आता है कि तुम्हें और सीमा को जुदा करने में मेरा हाथ था तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्या मतलब? तुम्हारे डैडी को मैंने ही सब कुछ बताया था, धोखे से शकील को मैंने ही उनके पास भेजा था। फिर क्या हुआ? होना गया था, जब उन्हें तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी तो ये खामोशी से तुम्हारे रास्ते से हट गया। मगर तुम दोनों फिर यहाँ इकट्ठे कैसे हो गए? इनकी शादी मेरे एक बड़े अजीज दोस्त के साथ हो गई है। तो क्या तुम्हारे दोस्त को ये मालूम नहीं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? ताहिर, जो भी किसी से प्यार करे।
आज मेहमानों के लिए क्या पकाया है? पुलाव, आलू भात, मटर कीमा, कलेजी गुर्दे और दिल। जाओ। ओए, क्या जमाना आ गया। इस जमाने में लोग दिल लगाया करते थे, अब पकाने लगे। दिल? नहीं, शकील के लिए। मैं कीमा लूंगा। ले लो यार। दोस्त, शादी कर लो अब तो। कोई लड़की पसंद आ गई तो जरूर कर लूंगा। अरे यार, शादी के बाद लड़की पसंद आ ही जाती है। सीमा है ना, मेरे ख्याल में जैसी कोई लड़की दुनिया में हो ही नहीं सकती। तुम भी शादी के बाद यही कहोगे। क्या ख्याल, तुम सीमा जैसी कोई लड़की तुम्हारे लिए? इन जैसी लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है। नहीं यार, दिल वालों को। अब हमारे दिल में इनका ख्याल था, सो अल्लाह ने हमारी लाज रखी। खुशकिस्मत हो यार जो दिल की मुराद पूरी हो गई, वरना हमारे पास तो दिल ही नहीं है। तुमने शकील को दिल नहीं दिया? दे दिया। अच्छा, कमाल। जब उन्होंने तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी तो ये खामोशी से तुम्हारे रास्ते से हट गया। तो क्या तुम्हारे दोस्त को ये मालूम नहीं था कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? हेलो। ओ आशी, तुम आशी? अरे तेरा दिमाग तो खराब भी हो गया। अरे भाई, मैं शकील बोल रहा हूँ, शकील। सॉरी यार, मैं इस वक्त अपने एक दोस्त के बारे में सोच रहा था, वही मुंह से निकल गया। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुमने कैसे फोन किया? बिजली गिरने से जंगल में अचानक आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इतला कर दूं। अनवर, शायद मैं सुबह हूँ, लेकिन तुम ये तो बताओ कि याशी कौन है जिसके मुताबिक तुम उस वक्त सोच रहे हो? आशी? हाँ हाँ यार, आशी मेरे साथ जरा लंदन में पढ़ा करती थी, एक दूसरे के जरा बहुत करीब आ गए थे हम दोनों। यार बाकी सब सुबह तफसील से बताऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़। आशी? हाँ, वो मेरे साथ लंदन में पढ़ा करती थी, हम दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। जी, आपका खत आया। माय डियर अनवर, तुमने अपनी शादी के वक्त मुझसे कहा था कि तुम मजबूरन शादी कर रहे हो और शादी के फौरन बाद सीमा को तलाक दे दोगे। अब तुम अपना वादा पूरा करो, वरना मैं वापस लंदन चली जाऊंगी और तुम सारी जिंदगी मेरे लिए तड़पते रहोगे। तुम्हारी आशी। आपके नाम आशी का जी खत। अगर आप आशी को पसंद करते हैं तो उसे शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। तो यह है तुम्हारी बर्बादी की वजह? हाँ, मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि ये आशी कौन है जिसके लिए अनवर रात देर तक सोचता रहता है। इस खत की मौजूदगी में तुम्हें उससे अपनी खुशियों का हिसाब देना होगा। मैं उससे कुछ नहीं कह सकती। इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि तुम औरत हो, कमजोर हो, गूंगी हो। ना मैं कमजोर हूँ कि उस सालिम का गिरबान ना पकड़ सकूँ, और ना गूंगा हूँ कि जुल्म की वजह ना पूछ सकूँ। बताओ कहाँ है वो? मैंने दुखों के बस तुमसे सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट मांगी थी सीमा, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? वो मुस्कुराहट क्यों नहीं जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी? लेकिन आज आज मैं अनवर से उसके जुल्म का हिसाब लेकर आऊंगा, हिसाब लेकर आऊंगा। अनवर, खैरियत? बड़े गुस्से में हो। आशिका रहती है? आशी कहाँ रहती है? मेरे दिल में। ये दोस्त का दिल ना होता तो उसके टुकड़े कर देता। जिसमें इतनी अच्छी बीवी के होते हुए कोई दूसरी औरत बसती है। टुकड़े ही कर देते तो अच्छा। सोचता ये नाकारा दिल किसी के काम तो आया। मगर खैर छोड़,
ये बता तुम्हें आज आशी का ख्याल क्या? और मैं पूछता हूँ तुम्हें सीमा का ख्याल क्यों नहीं आया? आज तो बोला यार, जोर से बोलो कि तो मेरे दिल का बात सदमा होगा। ये क्या? ये बर्बादी की वो दस्तावेज है जिसके हर लफ्ज पे सीमा के लिए सहर भरा हुआ है। तुम्हारे नाम आशी का ये खत है जिसमें तुमने सुखी वादा किया था। तुम्हारे हाथ कैसे लगा? मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम्हें आशी से मोहब्बत थी फिर सीमा से शादी क्यों की थी? किस कमबख्त ने की थी अपनी मर्जी से शादी? ये जो बुजुर्गों की नाक है ना यार, ये नौजवानों की हर खुशी के दरमियान आ जाती है। इसी नाक ने तो मेरा नाक में दम कर दिया, तो मजबूरन मुझे सीमा को अपनाना पड़ा। और अब अपनी खुशियों के लिए सीमा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं दोस्त, सीमा की खुशियों के लिए। बात बड़ी सीधी सी है, मियां बीवी में अनबन हो जाए तो बेहतर यह है कि अलहदगी अख्तियार कर ले। अल्फाज के गोरे धंधे में तुम सीमा की खुशियों से नहीं खेल सकते। तुम सीमा को खुश देखना चाहते हो ना, तो एक सौदा कर लेता हूं। मैं आशी को अपना लेता हूं, तुम सीमा से शादी। अनबन समझकर तुमने मुझे इतनी बड़ी गाली दी है। मैं तुम्हें समझ गया, तुम एक नीच इंसान, एक जालिम शौहर। पर इतना याद रखना, अगर तुमने सीमा को खुशी न दी तो मैं तुम्हें कयामत तक माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। कयामत से पहले ही माफ कर देते दोस्त, इसलिए कि लोग मरने वालों को माफ कर दिया करते हैं। रो क्यों रही हो? क्या बात है? मैं आपके दिल में तो जगह नहीं ले सकी, लेकिन मुझे अपने कदमों में तो जगह दे दीजिए। मुझे आपके दूसरी शादी का कोई एतराज नहीं। तो फिर बात पक्की हुई ना? मैं बहुत जल्द किसी भी वक्त तुमसे इजाजत ले लूंगा। मेरी तरफ से आज ही आपको इजाजत है। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे वक्त आने पर तुमसे इजाजत लेकर बड़ी धूमधाम से बारात लेकर जाऊंगा, ठीक है? अरे बेटे की सालगिरह माँ को कौन याद दिला? हाँ हाँ, बेटे की सालगिरह भला माँ को कौन याद है? मैनेजर साहब, इस साल अनवर की सालगिरह खूब धूमधाम से मनानी है। ऐसे ही होगा, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आप उसे फौरन लिख दीजिए कि जल्दी वापस आए। वालेकुम सलाम। अरे मैनेजर साहब, आप खैरियत तो है? अम्मी तो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है, बस आपको देखने को जी चाह रहा था तो चला आया। वैसे आप तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। आपका ये कैसे आना हुआ? वो डॉक्टर साहब ने कहा है आपको बाहर चला जाना चाहिए इलाज की खातिर। मगर क्यों? अच्छा भला तो हूँ मैं, मगर बेटे डॉक्टर को दिखा लेने में हर्जी क्या है? सिर्फ आना जाना ही तो होगा। और अगर जाने ही जाना हुआ तो? खुदा ना करे। तो आपने अम्मी को बता दिया ना? नहीं बेटे, कैसे बताता? चलो अच्छा हुआ आपने अम्मी को नहीं बताया और मैंने सीमा को। तो क्या आपको सब कुछ मालूम है? अरे हाँ मैनेजर साहब मालूम है, इसीलिए तो मौत से लड़ रहा, वरना ये तो बड़ी खामोशी से शिकार कर लेती मुझे। अनवर मियां, आप फौरन इलाज के लिए चले जाएं। पिछले दिनों डॉक्टर जेम्स ने दिल बदलने का बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है। मुमकिन है मैं उस दिल बदले जाने वाले मरीज की तरह खुशकिस्मत ना हूं। ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए अनवर मियां। बहुत अरसे मां से दूर रहा, चाहता हूं आखिरी सांस मां की गोद में लूं। चाहता हूं मैनेजर साहब की मेरी दम तोड़ती आंखें सीमा को आखिरी बार जरूर देखें। एक तरफ वो मां है, इसकी कुल कायनात एक ही बेटा है, दूसरी तरफ वो बीवी है,
इसकी खुशियों और आरजुओं का सिर्फ एक ही मरकज है। मैं, मेरा क्या है, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ, लेकिन मैंने भी आपको बाप की तरह पाला है। मैं ये सब कुछ कैसे देख सकता हूँ यार, कैसे देख सकता हूँ। मैनेजर साहब छोड़िए, मैं वादा करता हूं कि सालगिरह के बाद इलाज के लिए जरूर जाऊंगा। अनवर बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली। अल्लाह आपको खुश रखे। अब सुनिए, जाके सालगिरह का खूबसूरत इंतजाम कीजिए, ठीक? हाँ अनवर बेटे, अब के बाद आपकी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बस आप और सीमा बिटिया दो दिन पहले आ जाना। अरे जरूर पहुंचेंगे। सीमा बिटिया अंदर है ना? हाँ, आप मिल लीजिए। मैं जरा मिल लूं। क्या बात है, इतनी उदासी? अरे हमारी तरह खुश रहा करो। शेर नहीं सुना तुमने? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। क्या बात, दिल उदास है जनाब का? दिल की बात ना मानना बीबी, वरना मेरी तरह सदा रोती रहो। ए, तू कहां से आन टपकी? शकील बाबू ये खत दे गए थे जाते हुए। जाते हुए? जो भी इस बस्ती में आता है वो चला क्यों जाता है बीबी? शकील रस्ते पर देकर चला गया है सीमा जी। हम भी कल यहां से चले जाएंगे। ना जाने शहर से आने वाला हर बाबू जाने को क्यों कहता है। तुम भी चले जाओ बाबू, चले जाओ। बिंदिया यहाँ अकेली ही रोती रहेगी। अकेले कोई रहता नहीं क्या? सबको दावत नामे भेज दिए हैं ना आपने? जी भैया। अम्मी आगे बैठे। आदा आदा दीदी रहो, सदा स्वागत रहो। अब आपकी तबीयत कैसी? जी ठीक हूँ बिल्कुल। मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन मैं अब तुम्हें झूठी तसल्ली भी तो नहीं दे सकता। तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे, तुम मेरी औलाद की तरह हो बेटा। मैंने तुम्हारे लिए हर बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया है, मगर डॉक्टर साहब आप किसी तरह मेरी मौत को एक हफ्ते के लिए टाल नहीं सकते। किसी तरह आप मेरी उम्र में एक हफ्ते का इजाफा नहीं कर सकते। एक हफ्ते ही तो रह गया है मेरी सालगिरह में। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा बेटा, खुदा तुम्हें तुम्हारी सालगिरह देखने की नसीब करे। अरे डॉक्टर साहब आप तो रोने लगे। मेरे तो देखिए, आपको मेरी आंखों में मौत का कोई साया दिखाई देता है? कोई अक्स नजर आता है मौत का? आप तो एक जज है डॉक्टर साहब, जिसने मेरी मौत का फैसला सुना दिया। ना ये भी कभी होया कोई फैसला सुनाने वाला जज रोने लगे? चलिए सर, जाना तो है ही मैनेजर साहब। जाते जाते जरा डॉक्टर साहब से गपशप हो जाए। क्यों डॉक्टर साहब? जाओ बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर है ना, इसलिए आराम का मशवरा देते हैं। आराम तो लिखा ही है हमारी किस्मत में। ऐसे डॉक्टर साहब एक वादा कीजिए, मेरे साल के रखते तो आइए का नाम प्लीज। आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा बेटा। हमने साथ आया यार, ये तो वही बात हुई कि बारात हजर है और दूल्हा गायब। अनवर अभी तक आया क्यों नहीं? मैं देख रहा था, अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? अनवर बेटे, अनवर बेटे,
दिल की धड़कन साथ छोड़ रही है। मैं जानता हूँ बेटे, जरा हिम्मत से काम लो। अनवर, अनवर बेटे। बाप। बेटे जी, सब लोग बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी तक ड्राइंग रूम में नहीं आए हो। ए माँ, मैं भी तो किसी का इंतजार कर रहा हूँ, क्यों मैं बेटा? इसका अरे कौन है वो? नहीं बताऊंगा, बता दिया तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, कभी नहीं बताऊंगा। तेरी तू ही जाने। आप चलिए बेगम साहबा, मैं इन्हें लेकर अभी आता हूँ। जल्दी आओ बेटे। हाँ जी। अनवर बेटे, अब तो बेगम साहबा को बता ही देना चाहिए। उन्हें पता चल गया तो मुझसे पहले खुद खत्म हो जाएगी। बहुत लंबा हो गया। अनवर साहब के आने में तो कुछ देर मालूम होती है, कुछ देर कोई प्रोग्राम ही देखना। कर जिए हम छुपा कर जिए, कष्ट पीते रहे मुस्कुरा कर जिए, होठ से कर जिए हम छुपा कर जिए, कष्ट पीते रहे मुस्कुरा कर जिए, होठ से कर जिए हम छुपा कर जिए। दुल्हन का सुहाग लुटने से बचा लो ना।
खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए भाभी। आप दुआ कीजिए तो वो अपना कर्म करते हैं। कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन? आप कहाँ चले गए थे? मैं वो टीवी सिंगर शकील से मिलने गया था। अनवर मियां ने उनके नाम ये खत दिया था। मैं जरा पेक कराता हूँ। जॉन, वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा। सीमा मेरे बचपन का प्यार थी, से पाने की आरज़ू मेरे साथ साथ जवान हुई थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब हर तरफ खुशियां थी, कह-कहे थे। दिल था कि वक्त की रफ्तार से भी तेज धड़क रहा था जब सीमा मेरी दुल्हन बनकर अपने घर से रुखसत हुई। मैं सोच रहा था दो दिलों के दरमियान ये फासले आखिर कब खत्म होंगे, कि अचानक अस्पताल में मेरा आखिरी दिन था। सीमा को पा लेने का एहसास मेरे रूए रूए से छलक रहा था। किस्मत मेरी इस बेताबी, इस बेचैनी को देखकर हंस रही थी। उसने मुझे पता चला कि मेरे दिल में सुराख है, मैं अब चंद महीनों का मेहमान हूं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं सीमा को जीते जी नहीं मरने दूंगा। हनीमून की रस्म निभाने के लिए पहाड़ पर पहुंचा तो तुमसे मुलाकात हो गई, पर तब मुझे पता चला कि तुम और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सीमा पत्थर की वो बेबस मूरत है जिसे घर के किसी कोने में सजा दो या चाहो तोड़ कर फेंक दो, वो कोई शिकायत नहीं करती। हालात में उसे कोई खुशी नहीं मिलने दी शकील। अब तुम सीमा को हर वो खुशी दे देना जो मैं उसे नहीं दे सका। उस तक किसी दुख को न पहुंचने देना। हाँ, आखिर में एक बात और। नहीं, नहीं।
मुझे छोड़कर नहीं जा सकता डॉक्टर साहब, नहीं जा सकता। के बाद अम्मी भी ज्यादा से जिंदा नहीं रह सके। उन दोनों की मौत के बाद शहर से खौफ सा आने लगा था, इसलिए मैं यहां चली आई। सीमा, दुनिया गोल है जनाब, रास्ते जुदा जुदा होकर भी घूमकर एक ही जगह आ जाते हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर हमें भला कौन जुदा कर सकता है।